हेलो, नमस्ते। जय श्री कृष्ण। आज हम बना रहे हैं मोहन थाल, और दिवाली का त्योहार भी आ रहा है, तो मोहन थाल तो सबका फेवरेट है। भगवान श्री कृष्ण जी का भी फेवरेट है, इसलिए इसका नाम पड़ा मोहन थाल। परफेक्ट माप, परफेक्ट टेक्सचर और परफेक्ट स्वाद के साथ, बिल्कुल हलवाई जैसा। और इसमें मैंने दो तीन इंग्रेडिएंट सीक्रेट भी डाला है, तो आप वीडियो को अंत तक देखिए और इसे एंजॉय कीजिए। आपको दिखाते हुए कितना सॉफ्ट और दानेदार है। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ जयश्री, और जयश्री किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो मोहन थाल बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है 1 कप 250 ग्राम जितना बेसन, यहाँ मेल्टेड देसी घी लिया है और मिल्क लिया है। तो सबसे पहले हम इसका दाबा देंगे ताकि इसमें दाना अच्छा निकले। पहले मैं 2 टेबल स्पून जितना घी डालती हूँ, और 2 टेबल स्पून जितना मिल्क डालेंगे, मिक्स करेंगे अच्छे से। तो अब मैं 2 टेबल स्पून जितना और घी डालती हूँ, और ये 2 टेबल स्पून जितना दूध है, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अब मैं इसे थोड़ा सा रब कर लेती हूँ। इसका कलर बदल रहा है, आप देख रहे हैं, बाद में ये बहुत ही अच्छा कलर दिखेगा। तो अब ये मिक्स हो गया है। आप लड्डू बेसन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इस तरह दाबा देने से आप बेसन में दाने अच्छे पड़ते हैं, तो मैं यह ज्यादातर घर का ही बेसन यूज करके इसे ऐसे दाबा देती हूँ। और अब हम इसे 15 से 20 मिनट ढक कर रख देते हैं। तो 15 मिनट हो गए हैं। अब हम बेसन को इस छलनी से छान लेंगे। अगर आपके पास छलनी नहीं तो आप मशीन में भी इसे कर सकते हैं। आपको ऐसे रब करना है। तो ये बहुत अच्छा दानेदार दिख रहा है अभी बेसन। अब हम इसे भून लेते हैं। तो यहाँ फ्राइंग पैन में मैंने घी रख दिया है, और ये मेल्ट भी हो गया है। अब हम इसमें बेसन डालेंगे। इसे मीडियम आंच पे भूनना है। हिलाते रहना है। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही हल्का हल्का हो गया है। अभी थोड़ी देर और भूनना है। अभी सफेद दिख रहा है, तो अब ये लाल दिख रहा है। अब हम थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा दूध इसमें डालेंगे। मैंने यहाँ 1/4 कप जितना लिया है दूध, आप देख रहे हैं कलर भी बहुत अच्छा आ गया है। अब ये हमारा परफेक्ट कलर भी आ गया है। अब हम आंच को बंद कर देते हैं। यहाँ मैंने 1/2 कप चीनी ली है। अब हम इसमें चीनी डूबे कवर हो जाए इतना पानी लेंगे। थोड़ा सा ऑरेंज कलर इसमें डालेंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा रोज वाटर डालूंगी। अब इसमें मैं थोड़ा सा रोज एसेंस ला डालती हूँ, 2-3 ड्रॉप्स। इलायची पाउडर, पिंच ऑफ सैफ्रॉन डालूंगी। अब चीनी डिजोल्व हो गई है। अब हम इसे बॉईल होने देते हैं, और हमें
डेढ़ ताड़ की चाशनी बनानी है इसकी। अब ये चाशनी हो गई है, मैंने इसे चेक करने के लिए यहाँ इसमें निकाला है। अब हम ऐसे ऐसे देख सकते हैं, आप देख सकते हैं। तब ये बेसन भी ठंडा हो गया है हमारा, अब हम इसमें चाशनी डाल के खिलाएंगे। तो मैंने यहाँ चाशनी डाल के फिर से स्टोव पे रखा है ताकि ये गाढ़ा बन जाए, और कलर भी इसका बहुत अच्छा आया है। अब ये घी भी अलग हो गया है, अब देख सकते हैं गाढ़ा हो गया है। तो हम स्टोव बंद कर देते हैं। तो अब ये बेसन ठंडा हुआ है, तो अब मैं इसमें 1/4 कप जितनी ब्राउन शुगर डालूंगी, जिससे कि टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब हम इसे हल्का करना है, इससे ब्राउन शुगर से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप भी इसे ट्राई करें। तो मैंने यहाँ एक ट्रे में वैक्स पेपर लगा दिया था, बटर पेपर, और इसे ऐसे कर दिया है। अभी अब हम इस पे थोड़े से इलायची पाउडर से गार्निश करेंगे, बहुत ही अच्छा बना है, बिल्कुल शाही हलवाई जैसा। थोड़े से बादाम पिस्ते भी डाल देते हैं। तो लो, बन गया हलवाई जैसा मोहन थाल। तो आप घर में बना सकते हैं, इसी रेसिपी से आप ट्राई कीजिए। ये बहुत ही अच्छा टेस्ट में भी है और लिख भी अच्छा रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल बटन दबाना मत भूलें ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।